ज्ञानवापी मामले पर 3 महीने के ऐतिहासिक बहस के बाद और 21 दिन चले कोर्ट रूम में बहस के बाद आज जिला जज वाराणसी AK विश्वेश की अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जी हाँ, जिला जज वाराणसी AK विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की 7-11 रूल को चैलेंज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद, सबसे बड़ी बात यह कि ज्ञानवापी मस्जिद 1991 के वर्शिप एक्ट से अब पूरी तरीके से मुक्त हो गई है, यानी अब ज्ञानवापी पे मुकदमा सुनने योग्य भी है और उसकी पूरी सुनवाई आगे होगी भी। इस मामले में अगली तारीख 22 सितंबर की लगाई गई है। आइए हम बात करेंगे अन्य पक्षकारों से। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कितनी बड़ी लड़ाई है ये लड़ाई? बहुत बड़ी लड़ाई है। शास्त्रीय संदर्भों से, कानूनी संदर्भों से, साक्ष्यों के संदर्भों से आज यह न्यायालय में सिद्ध हो गया कि हमारी याचिका पोषणी है, उनका 7-11 खारिज हुआ। एक बात और बता दें कि जो लोग शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे, अब लड़ाई शिव जी के ज्योतिर्लिंग को लेकर के होगी। अभी तो श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार मांगा जा रहा था ना, अब पूरा मंदिर मांगा जाएगा, अभी तो लड़ाई। हमारे साथ हिंदू पक्ष की ओर से सुधीर त्रिपाठी जी। सुधीर जी, 3 महीने की गर्मी वाली सुनवाई, सोमवार के दिन बाबा प्रकट होते हैं, सोमवार के दिन कमीशन होता है और आज 12 सितंबर की तारीख है, दिन सोमवार का है, फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सोमवार दिन वाकई में आप भी जो कह रहे हैं सही बात है और किसी न किसी दिन कोई ना कोई फैसला होना ही चाहिए। सभी दिन हमारे सनातन के अनुसार प्रभु के बनाए हुए दिन हैं। आज फैसला मेरिट का फैसला नहीं है, एक मुकदमे का ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा, मुकदमा आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा कि सरिया कोर्ट में चलेगा, इसकी फैसला है। इसकी फैसला आई है, अच्छी बात है और हम लोग प्रसन्न इसलिए हैं कि मेहनत किए थे, फैसला न्यायालय द्वारा अच्छा किया गया। आपके माध्यम से मैं माननीय जिला जज जी को भी धन्यवाद और उनकी धैर्य का तारीफ करता हूँ कि लगातार उन्होंने विपक्ष के बिना तर्कविहीन बकवास को भी, बहस को भी सुनते रहे और बड़ी धैर्य के साथ मौका दिए, सबको मौका दिए, हमको भी दिए, उनको भी मौका दिए और अपने जो ब्रीफ बताए फैसला के पूर्व, उस ब्रीफ में उनकी बात को भी उन्होंने होल्ड किया है, लिखा है, मेरी बात को लिखा है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, अच्छी बात है। हाईकोर्ट मेरे लिए ही नहीं, हाईकोर्ट पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बना हुआ है और जो भी लोअर कोर्ट के फैसले से नाराज होंगे, नाखुश होंगे या उनको लगता है कि मेरे अनुकूल फैसला नहीं हुआ जो होना चाहिए था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आज के फैसले के बाद अब 22 तारीख जो कि अगली तारीख पड़ी है, उस पर अब आप लोगों की आगे की स्ट्रेटजी क्या है? मेरा एक प्रार्थना पत्र पहले से पेंडिंग है और इसे न्यायालय द्वारा कमीशन पर आपत्ति के लिए भी लगा हुआ डेट है और मेरा प्रार्थना पत्र है, जो कमीशन कार्रवाई हो चुकी है, उस कमीशन कार्रवाई के दौरान जो शिवलिंग मिले हैं उसके सिर्फ दक्षिण तरफ बाबा व्यास जी का तहखाना है, इसे मलबा हटा करके या पूरब तरफ वाला भी मलबा हटा करके इसकी पुनः कमीशन किया जाए। ग्रैंड विक्ट्री, क्या कहा? जितनी बात, जो आर्गुमेंट हम लोगों का था, कोर्ट ने सब मान लिया है और ये कहा सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेज या वर्षी पर अप्लाई नहीं करता। मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। अब आगे की क्या रणनीति हो? 22 सितंबर को मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दावा दायर करना पड़ेगा। तो जो आप वो मांगे थी कार्बन डेटिंग और वो अभी उसका कोई मतलब ही नहीं, वो बाद में जारी होगी। राजीदी सिद्दीकी आप लोग इशारा मत, हमारी एप्लीकेशन 35 ही थी, ये मुकदमा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी पोषणीयता पर बहस हुई, आज उस पर कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये मुकदमा यही चलेगा, हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, आपको जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और ऑर्डर 110 में एप्लीकेशन लोगों की पड़ी है पार्टी बनने की, उन लोगों की भी एप्लीकेशन की सुनवाई 22/9 को होगी। हम लोग आगे इसकी अपील करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर
हमारे लीगल हिसाब से भी सही नहीं है। हाई कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो अभी ये जो 22 या उसके पहले हम खेल में हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर कोई वहाँ हाई कोर्ट में जो होगा हाई कोर्ट से ऑर्डर होगा, वहाँ के ऑर्डर, वहाँ के ऑर्डर होने के बाद ही या कोई होगा देखा जाएगा, जो भी उनको हाई कोर्ट उनके डायरेक्शन। चलो 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 चलो, आज क्या कहा जज साहब ने, क्या कहा साहब ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, बताओ क्या उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन खारिज किया थी, मुकदमा चलेगा चलेगा। उनकी प्रोसीडियता पर प्रार्थना पत्र खारिज हो गई है, एकदम कोर्ट ने आदेश कर दिया सुनवाई योग्य है। फैसला हमारे पक्ष में ही कर सकते हैं, उनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया, फैसला मेरे पक्ष में, मुकदमा आगे चलेगा। 22 तारीख को डेट लग गई है सुनवाई के लिए, इसी अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपना समझ क्या करेंगे, उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? खुशी भाई कहाँ जाहिर कर रहा हूँ, सभी लोग जाहिर कर रहे हैं, आप भी तो हंस रहे हैं, अभी जाहिर कर रहे हैं। 22 तारीख को डेट लगी है, तो मेरा कमीशन का प्रार्थना पत्र पहले से पड़ा हुआ है, जो कि पुनः कमीशन के लिए मलबा हटा करके उस पर हम लोग बल देंगे। हमारा पहले से पड़ा हुआ है, उस पर बल देंगे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाओं के लिए बहुत बड़ी जीत। सेवन इलेवन प्रार्थना पत्र विपक्षी का खारिज हो गया है और अब मुकदमा आगे चलेगा, पोषणीयता पर उनकी खारिज हो गई है जी। और क्या क्या कहा जज साहब ने? जज साहब ने बहुत लंबी कही, सारे एक्ट उन्होंने क्लियर कहा है, 1991 एक्ट पर और वर्शिप एक्ट पर, और उन्होंने वक्फ बोर्ड पर जितना बनाना था सारे पर उन्होंने क्लियर फैसला किया है, सुनाया है, उनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया 1991 के एक्ट पे। उन्होंने सारे पर उन्होंने डिक्लेयर किया है, फैसला लंबी चौड़ी है और उन्होंने ब्रीफ सुनाया है, ब्रीफ में समझिए फैसला खारिज हो गया। सुमीर जी, लगभग ये कितने फैसले का बनना है? लगभग 150 पेज से ऊपर का है, 150 पेज से ऊपर का फैसला हुआ, खारिज हो गया है प्रार्थना पत्र। सुधीर त्रिपाठी जी, क्या फैसला हुआ जो एक साथ 7/11 प्रार्थना पत्र खारिज हो गया? इसको आप हिंदुओं की जीत कह सकते हैं, प्रथम खोज आगे चले हैं। जो फैसला आया है न्यायालय का, उसके बाद सर क्या कुछ कार्रवाई होगी? कार्रवाई ये होगी कि अब ट्रायल प्रोसीड हो पाएगा, ये गवाही हो पाएगी, कमीशन के उसको कोर्ट के ऑर्डर में डिसाइड किया जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा, तमाम चीज़ें। तो उसका रास्ता आज खुल गया है कि ड्रेस जो बना दी गई थी, लगा दी गई थी, उसको हटा दिया। उसकी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा थी, माननीय न्यायालय ने इस मुकदमे को सुनने को योग्य माना, आज अत्यंत हर्ष का विषय है, पूरा काशी गंगा बोल रहा है। और इस मामले में अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से हम अपील करेंगे कि बाबा वहाँ प्रकट हुए, उनके राग भोग आरती श्रृंगार का अवसर प्राप्त हो हमें, जिससे हमें दर्शन का सुख प्राप्त हो, उनका आशीष ले और लोक कल्याण की बात करें। और उपासना वर्षिप एक्ट, और साथ में ये बता रहे थे कि ये
वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का विषय है और साथ में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का विषय है। इन सब को माननीय न्यायालय निनाई करते हुए, निरस्त करते हुए हमारे मुकदमे को सुनने को योग्य माना। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, पूरा काशी के लिए तो अत्यंत हर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, यह दुर्लभ दिन है। सोमवार के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा थी, उस दिन बाबा प्रकट हुए थे और आज बाबा पुनः हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद दिए हैं। अब ये मुकदमा चलेगा जिससे जो सांस्कृतिक धार्मिक न्याय हमें सनातन हिंदुओं को नहीं इस देश में प्राप्त हुआ उसका मार्गदर्शन जो है सिर्फ जो है घूमे हैं उसको सिर्फ तोड़ करके वो अधिकार मिले। और पूरे से हम मान लिये की याचिका और अधिक करने जा रहे हैं कि पूरे देश के लोगों पर कहा उस महाजी मस्जिद में जाए, मस्जिद नहीं महल चीज में जाए और स्वयं अपनी आंखों से देखें, पूरा हिंदू चिन्हों को देखें। अच्छी हो और बहुत अच्छा फैसला है। अगर बात करें कि जिस तरीके से तो जदोहट के बाद आज आया है और महिलाओं ने खुशी जाहिर की, उन्होंने एक अपील की है कि हर मंदिर में दीपक जले और थाली बजे काली होगी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी का माहौल होना चाहिए, हर घर में दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए हर मंदिर में। बिल्कुल, ये देखिए हमारे करेंगे आज यह कायनात का जो फाइल टाइम का कूड़े की तरह किनारे कर दिया गया है। आज हिंदू समाज की और सनातन संस्कृति की विजय हुई है, यहाँ से हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ और आगे बढ़ेंगे। और याचिका करते हैं मेहनत, सबकी मेहनत काम और पूरे समाज की मेहनत काम आई है, पूरा समाज नारी शक्ति महिलाएं आगे थी, वो महिलाएं आगे थी, पीछे पीछे पूरा समाज उनके साथ लगा हुआ था और उनको आगे बढ़ाए जो है फिर पान करके और कंठ में रख लिए थे। आज या फिर उसी नीलकंठ के नाम पे, उसी नीलकंठ जी के नाम पे और नारियों ने जिस तरह से धैर्य पूर्वक जिस तरह से उन्हें मारने की धमकी दी गई थी, मोहनलाल जी को मारने की धमकी दी गई थी और कितनी नीचता का काम हुआ था जो है उठाया गया था, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर तमाचा है, इससे वो संभल जाए लग जाए। आज भगवान राम की तरह काफी में भी विजय प्राप्त हुआ है। बोलो जय श्री राम। प्रमाणिक है और ऐतिहासिक भी है, दस्तावेजों को देखा गया उसमें भी प्रमाणिक है और प्रकाशमान है। आज वह प्रकाश खुल करके सामने आया है, आज बारिश हुई वर्षा हुई इसमें भी जनमानस यहाँ लगे रहे और आप लोगों को भी बहुत ढेर सारी बधाई, आप लोग खुल से इसमें लगे रहे और आज हम लोग विजय दिलाए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कितनी बड़ी जीत हुई है आज आप लोगों की, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी मानते हैं, पूरे भारतवर्ष की जीत हुई है, पूरे भारतवर्ष की जीत हुई है। तो जो है कितनी खुश है, कितनी खुश है, बहुत खुश है, पूरे भारतवर्ष की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। भैया रुक जाओ, एयरपोर्ट रख लो, ये रख मंदिर पहुंच गए और क्या खुशी है? बहुत खुशी है, बाबा के धन्यवाद करने जा रहे हैं, बाबा को प्रणाम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इतने आसानी मतलब इतनी आप लोगों की मेहनत रंग लाई आज? बस बाबा का सब आशीर्वाद है, बाबा की सेवा में हम लोग हैं।